नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में हम हमेशा से नए परिवर्तन और सुधार करते रहे हैं। सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आपको हमारे मोबाइल कोर्स के माध्यम से अपने विषय के डाउट क्लियर करने का अवसर प्राप्त होगा। अब तक आपको हमारे मोबाइल कोर्स में 240 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियो, 12 ऑनलाइन किताबें तथा प्रैक्टिस के लिए 3000 क्वेश्चंस मिल रहे थे। 15 मई 2020 से आपको इस कोर्स में प्रतिदिन एक नया वीडियो मिलेगा। यह नया वीडियो मोबाइल कोर्स परचेस करने वाले छात्रों के डाउट्स पर आधारित होगा। यदि आपने हमारा मोबाइल कोर्स परचेस किया हुआ है या आगे करने वाले हैं तो हम आपके प्रत्येक डाउट को अब यहां पर क्लियर करने वाले हैं। हम यह मानते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यह नई पहल वीडियो देखने की प्रणाली में एक नया परिवर्तन लाएगी और वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। Hello friends, I Nikhat Parveen Khan welcome you all to competition community. I just hope and wish कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं और पेंडेमिक और लॉकडाउन की सिचुएशन में भी आपने अपनी पढ़ाई पर अंकुश नहीं लगने दिया और इसे लगातार जारी रखा है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की भी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम किसी न किसी तरीके से भले डिफ़िकल्ट टाइम्स कितने भी क्यों ना हों आपको गाइड कर सके और आपकी तैयारियों में मदद कर सके। आज का ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये हमारे मोबाइल कोर्स से रिलेटेड है। जिन भी लोगों ने हमारे मोबाइल कोर्स को परचेस किया है, जो भी स्टूडेंट्स इससे जुड़े हैं, ये पर्टिकुलरली उनके लिए है। इसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का मकसद उन तक ये मैसेज कन्वे करना है कि वी आर हियर फॉर यू फॉर क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू द वीडियोज़ विच हैव बीन अपलोडेड इन आवर वेबसाइट, जिसको आपने परचेस किया मोबाइल कोर्स से रिलेटेड। तो एक्चुअली में जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं मोबाइल कोर्स में वो एक रेगुलर वीडियोज़ हैं। अब से हम उनकी जितनी अपडेट्स होंगी, वीडियोस में जो भी चेंजेस होंगे, सिचुएशन और टाइम के साथ जो भी डेटा और फैक्ट्स बदलेंगे उन पर भी रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करेंगे। साथ ही साथ वीकली हर एक जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड डाउट क्लियरिंग वीडियो अपलोड किया जाएगा और उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आप वीकली हर सब्जेक्ट के अपने डाउट्स कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने मोबाइल कोर्स जो आपने परचेस किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक लिंक दी गई है उस पे अपलोड कर दीजिए। जो भी क्वेश्चंस आप वहाँ अपलोड करिए आपको पर्टिकुलरली वहाँ आंसर नहीं किया जाएगा। सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ डील करेंगे। हर वीक हर सब्जेक्ट का एक डाउट क्लियरिंग वीडियो होगा जिसमें आप सभी के, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चंस को लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को लिया जाएगा। कॉमन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बनाकर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स के नाम भी बताएंगे जिन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट कि आप हम आपका नाम बताएं तो हम आपके नाम नहीं भी बोलेंगे। बट द थिंग इज़ वी प्रोमिस टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आप अपलोड करें। सो जिन भी लोगों ने मोबाइल कोर्स परचेस किया है डू नॉट हेजिटेट, आप तक अगर ये मैसेज नहीं पहुँचा होगा तो गो विजिट अ वेबसाइट, लॉग इन देयर और आप देखेंगे आपको एक लिंक दिखेगा जहाँ पर डिस्कशन पैनल का एक एक्स्ट्रा लिंक आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में जिसमें आप अपने क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। सो कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव इस ऑनलाइन स्टडीज़ को क्लासरूम फीलिंग देने के लिए था, ताकि जो भी ऑनलाइन कोर्सेज परचेस किए उन्हें ये ना लगे कि ये सिर्फ एक रेगुलर वीडियोस देके हमने अपनी ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी। हमारी ज़िम्मेदारी आप तक तब तक बनी हुई है जब तक कि आप सिलेक्शन नहीं ले लेते। कुल मिलाकर ये है कि आपको जितनी भी चीज़ें आपकी सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होंगी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की कोशिश कि हम सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाएं। अगर आपने एक वीडियो देख लिया, आपको डाउट्स आते हैं बिल्कुल क्लासरूम के जैसे ही, तो आप अपने डाउट्स उसमें अपलोड करिए, हम आपको आंसर करेंगे। इवन ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें आप क्लासरूम से बेटर अपॉर्चुनिटी को सीज़ कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने ये देखा कि क्लासरूम स्टडीज़ में जब आपको डाउट आता है तो झिझक के वजह से, हेजिटेशन की वजह से आप अपने डाउट्स टीचर से, फैकल्टी से पूछते नहीं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो डाउट्स हैं वो पब्लिक नहीं होंगे, वो सबके सब देखेंगे नहीं। उसमें ये है कि आपको जो भी रेलेवेंट डाउट है सब्जेक्ट का आप अपलोड करिए और जैसा भी डाउट है, इफ़ यू वॉन्ट कि आपका कोई नाम लिया जाए तो ठीक है वरना नहीं, बट जैसा भी डाउट है हम आपके आंसर्स इसमें ज़रूर देंगे। सो रेगुलर वीडियोस के साथ मोबाइल कोर्स में हम आपके डाउट क्लियरिंग वीडियोस भी अपलोड करेंगे और साथ ही साथ रेगुलर टाइमिंग्स में, रेगुलर इंटरवल्स में जो भी तथ्य और आंकड़े जो अपडेट किए गए हर सब्जेक्ट में उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। सो आज का ये पूरा जो वीडियो है ये रिलेटेड है उसी डाउट क्लियरिंग सेशन से और आज का जो सब्जेक्ट मैं डील करूँगी वो है पॉलिटी। आपको इसका पूरा शेड्यूल
अपडेट करवा दिया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से दिन वीडियो आएंगे और आपको क्वेश्चंस कैसे अपलोड करना है, यह आपको सेपरेटली बता दिया जाएगा। तो आज का ये डाउट क्लियरिंग वीडियो है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट पॉलिटी। पॉलिटी की जितनी वीडियोज़ अपलोडेड है उसमें से क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन द टॉपिक बिकॉज ये टारगेटेड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो जो भी डाउट उन्होंने रेज किया मैं सिर्फ उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो इस डाउट क्लियरिंग सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का आया है वो तीन चार स्टूडेंट्स ने पूछा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान के संशोधन टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि वॉट इज 104th अमेंडमेंट, 104th संशोधन जो है संविधान का वो क्या है। ये क्वेश्चन तीन चार स्टूडेंट्स ने पूछा है। मैं तीन चार स्टूडेंट्स के नाम बताती हूँ, सत्या चौधरी, नीरू गुप्ता और अविनाश ध्रुव, इन तीनों ने ये क्वेश्चन पूछा है। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, वेरी गुड कि आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जो रेगुलर वीडियोस हैं उसमें 103rd अमेंडमेंट तक की चीज़ें अपलोडेड है। वजह यह है कि 104th संशोधन जो है ये 25 जनवरी 2020 रिसेंटली ही एड हुआ है, तो आपके रेगुलर वीडियोज़ में आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या चेंज हुआ है, अगर संशोधन है तो क्या हुआ है, सो दैट आप में से और जितने लोगों को ये क्वेरी है वो भी क्वेरी सेटिस्फाई हो जाए। सो एज आई जस्ट सेड कि 104th अमेंडमेंट जो है ये 25 जनवरी 2020 को एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, इन्फोर्स किया गया, पूरे देश में लागू किया गया 21 जनवरी 2020 को। ये प्रेसिडेंट से इसको स्वीकृति मिली थी और इस तारीख को ये देश में अस्तित्व में आया है। 104th अमेंडमेंट में दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, एक तो एक्सपेक्टेड है जो हर 10 साल में होता है, और एक है जो नया है जो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रहे कि कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे संशोधन थे जो हमने डील नहीं किए हैं अपने रेगुलर कोर्स में, उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट से लेकर 103rd तक के इम्पॉर्टेंट संशोधनों को ही बताया है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन रीसेंट में जितने भी हों, वो चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो, लेकिन अगर रीसेंट में कोई हुए हैं 4-5 पिछले संशोधन, तो वो सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो इस वजह से क्योंकि सबसे रीसेंट 104th अमेंडमेंट है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 104th अमेंडमेंट में जैसे मैंने कहा दो चीज़ें चेंज हुई। पहला ये कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान है लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में, उसे 70 से 80 साल कर दिया गया, मतलब 10 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया। हम सभी जानते हैं कि पिछली दफ़ा सन 2010 में ये 10 सालों के लिए विस्तारित किया गया था 2020 तक, और इसकी अवधि 2020 में समाप्त हो जाती है। तो ये आरक्षण के प्रावधानों को अगले 10 सालों के लिए भी फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। आप सभी जानते होंगे कि हर एक दशक में आपने देखा होगा, सन 2000 में, 1990 में, 2010 में, हर एक दशक में एक ऐसा संशोधन आता है जिससे आरक्षण के जो प्रावधान हैं उनको आगे बढ़ाया जाता है। बस 104th अमेंडमेंट में भी आउट ऑफ टू चेंजेस एक ये है कि 70 से 80 साल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, यानी 10 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में। ठीक, एक ही सिंपल चेंज। दूसरी चीज, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी जो नई है इसमें, वो ये है कि जो केंद्र और राज्य की विधायिकाओं में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशंस थी सीट्स की, जो मनोनयन होता था, जो नॉमिनेशन होता था, उस पूरे फॉर्मेट को हटा दिया गया है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया गया है। मतलब देर वोंट बी एनी मोर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियंस इन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब सभी जानते हैं कि हर राज्य की विधानसभा में एक पर्टिकुलर सीट जो होती है उसे राज्य का गवर्नर नॉमिनेट करता है, जो आंग्ल भारतीय वर्ग से होती है, और केंद्र में लोकसभा में दो ऐसे सीट्स होती हैं जिनको राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट करता है आंग्ल भारतीय वर्ग से। इस प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 334 में दिया गया है, तो उस अनुच्छेद 334 से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। मैं दोहराती हूँ इस चीज़ को, रिप्रेजेंटेशन यानी रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन सीट्स इन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैज़ बीन अबॉलिश्ड। केंद्र राज्य विधायिकाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षित सीटों का प्रावधान था उसे हटा दिया गया। ये महत्वपूर्ण चेंज है जो इसमें किया गया। और दूसरा जो मैंने पहले बताया, एक्सटेंशन, दैट इज़ इट। ठीक, क्रिस्प रखिए, आर्टिकल 334 में कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो याद रखें, और जो सेकंड वाला चेंज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में जो आपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है उसमें इस अमेंडमेंट को ऐड कर दीजिए। इज दैट क्लियर? आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो। और भी कोई डाउट है, क्रॉस क्वेश्चनिंग है, तो आप फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन उसमें जाकर अपने क्रॉस क्वेश्चन को भी डाल सकते हैं।
ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू. सो आपका जो क्वेश्चन नंबर टू है, इसे पोर्टल पर दो स्टूडेंट्स ने पूछा है, एक है विनीता सिंदूरा और दूसरी है रिमशा श्रीवास्तव. इन दोनों ने ये क्वेश्चन पूछा है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, यानी कि राज्य की विधानसभा से रिलेटेड है. उनको जॉइंट सेशन और कुछ ड्यूरेशन से रिलेटेड डाउट था. अगर मैं उस क्वेश्चन को फ्रेम करूं तो मैंने कंबाइन करके इस क्वेश्चन को डील किया है. क्वेश्चन था कि क्या राज्य के जो बिल को पास करने की प्रक्रिया है उसमें संयुक्त सत्र का प्रावधान होता है. इज देयर अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस. दूसरा जो अटैच क्वेश्चन था उसमें यही था कि जब एक सदन से दूसरे सदन में कोई बिल जाता है राज्य स्तर पर, तो दूसरे सदन के पास उस बिल को रोक कर रखने का, उस बिल पर निर्णय लेने का कितना समय होता है. देखिए, हमने जब वीडियो अपलोड किया था तो मैंने आपको राज्य की विधानसभा को केंद्र की संसद से कंपेयर करके बताया था. तो मे बी इस पार्ट को उतना क्लियर उसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको यहाँ पर एक लाइन में या एक आध मिनट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. मैं फिर से दोहराती हूँ, संयुक्त सत्र पर सवाल था राज्य स्तर पर, और दूसरा सवाल था कि दूसरे हाउस के पास ये बिल कितने समय तक रह सकता है. तो देखिए, राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो सेंटर से स्टेट लेजिस्लेचर में बड़ा एक फ़र्क ये आता है कि अनलाइक सेंटर, स्टेट लेवल पर जो दोनों सदन होते हैं, मतलब विधानसभा और विधान परिषद, दोनों के पास बराबर पावर नहीं होते. अनलाइक सेंटर मतलब नॉर्मली सेंटर में दोनों के पास बराबर पावर होते हैं, नॉर्मली की बात करें, पर स्टेट लेवल पर ऐसा नहीं होता. राज्य स्तर पर विधानसभाओं की जो शक्तियाँ होती है वो विधान परिषदों से अधिक होती हैं. विधान परिषदें ही हमेशा सेकेंड हाउस रहेंगी, विधानसभा जो है वहाँ पर पहले बिल आएगा. अब जैसे कि हमने केंद्र में, केंद्र स्तर पर भी देखा था वीडियो में, कि जो बिल जिसमें लोकसभा की शक्तियाँ अधिक होती हैं उनमें क्या होता था, जैसे कि धन विधेयक, मनी बिल में क्या होता था कि अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसे पास करे या ना करे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी करती तो उसे पास करार दिया जाता है, और ऐसे केस में जॉइंट सेशन नहीं होता है क्योंकि दूसरा सदन ही ने, राज्यसभा की तो मर्जी का कोई महत्व होता ही नहीं. तो मनी बिल में कोई संयुक्त सत्र नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं. स्टेट लेवल पे भी बिल्कुल यही चीज़ लागू होती है, किसी भी सामान्य विधेयक के लिए भी विधानसभा की शक्ति विधान परिषद से अधिक है. सिर्फ धन विधेयक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी विधेयक के लिए विधानसभा की शक्ति विधान परिषद से अधिक होती है. इस वजह से अगर मान लीजिए सेकेंड हाउस उस पर सहमति नहीं देता है तब भी कोई संयुक्त सत्र नहीं होगा, राज्य में किसी भी बिल के लिए जॉइंट सेशन नहीं होगा, बिकॉज विधानसभा ने यदि पारित कर दिया तब विधान परिषद उसे पारित करे ना करे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पास करार दिया जाएगा, वो पारित करार दिया जाएगा. सो नो जॉइंट सेशन इन स्टेट लेवल. आई होप ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई होगी. दूसरी चीज़, जब बिल विधानसभा से विधान परिषद में जाता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, तब पहले इंस्टेंस में 3 महीने का टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास रहता है उस बिल पर निर्णय लेने के लिए. सेंटर में क्या था, सिंपल सी चीज़ थी, केंद्र स्तर पर क्या होता था, लोकसभा से राज्यसभा में जाता था या राज्यसभा से लोकसभा में जाता था तो दूसरे हाउस के पास 6 महीने का वक्त रहता था उस पर निर्णय लेने के लिए. और स्टेट लेवल में थोड़ा सा फ़र्क क्या आता है, विधानसभा से जब विधान परिषद में जाता है बिल तो विधान परिषद के पास 3 महीने का समय रहता है उस पर निर्णय लेने के लिए. 3 महीने में इसने, उसने अगर कोई सजेशन नहीं दिया, कोई चेंजेस नहीं किए, स्वीकृति नहीं दी, तो ये मान लिया जाता है कि वहाँ से बिल पारित हो गया और वो राज्यपाल के असेंट के लिए, स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है. तो 3 महीने. लेकिन इस बीच में अगर विधान परिषद ने उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए, कुछ बदलाव सजेस्ट किए हैं, तो वो बिल वापस आता है विधानसभा के पास कि भाई विधान परिषद ने ये चेंजेस सजेस्ट किए हैं. विधान परिषद द्वारा दिए गए सुझावों पर विधानसभा पुनर्विचार करती है और पुनर्विचार करने के बाद चाहे तो वो चेंज करे चाहे वो कोई चेंज ना करे, दोबारा बिल को विधान परिषद के पास भेज देती है. समझ में आ रही है, आई होप. विधान परिषद ने अगर कोई चेंजेस किए 3 महीने के अंदर, 3 महीने की लास्ट में भी कर दिए मान लीजिए, और विधानसभा को वापस भेज दिए, विधानसभा ने विधान परिषद के सुझावों पर गौर किया और उसे लगा कि ये चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वॉट सो एवर, करे या ना करे, उसके बाद जो भी है दोबारा जब वो विधान परिषद के पास भेजेगी तो इस बार सेकेंड टाइम में विधान परिषद के पास 1 महीने का समय रहेगा उस पर स्वीकृति देने का. या तो वो स्वीकृति दे दे या नहीं भी दे तो 1 महीने बाद ही मान लिया जाएगा कि स्वीकृति मिल गई. तो कुल मिलाकर अगर ऐसा देखा जाए तो विधान परिषद विधानसभा द्वारा प्रेषित बिल को अधिकतम 4 महीनों के लिए रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं. पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने. तो
अनलाइक सेंट्रल प्रोसेस केंद्र की प्रक्रिया के बिल्कुल अलग, 6 महीने की जगह यहाँ पर दूसरा सदन केवल 4 महीनों के लिए किसी बिल को रोक कर रख सकता है और यहाँ पर पहले 3 और 1 करके रोका जाएगा। अगर वो नहीं पास करता तो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए उसे अंतिम रूप से प्रेषित कर दिया जाएगा। सो दैट इज इट। ये दो जो डाउट्स थे वो एक तरह से मिक्स क्वेश्चंस में थे, इसलिए मैंने इसे दोनों को एक साथ आंसर किया। संयुक्त सत्र नहीं होगा और दूसरा सदन 4 महीने के लिए मैक्सिमम इसे रोक कर रख सकता है राज्य स्तर पर। आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा और अगर कुछ इसमें और क्रॉस क्वेश्चंस हैं तो आप उस पर अपलोड जरूर करें। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो एक ही टॉपिक्स है इसलिए मैं वो दोनों क्वेश्चंस को एक ही साथ लूँगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन, राइट टू फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का जो अधिकार है ये कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है असलम खान ने। और राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड यानी आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा का जो अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है अपूर्वा धृतलहरे ने। ये दोनों क्वेश्चंस क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का इंटरप्रिटेशन है यानी मौलिक अधिकार की व्याख्या है, इसलिए मैं एक साथ ही बता दे रही हूँ। और ऊपर से ये है कि ये दोनों ही जो पर्टिकुलर अधिकार हैं ये एक ही आर्टिकल के अंतर्गत आएंगे, एक ही आर्टिकल की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन है और वो है आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की इंटरप्रिटेशंस में ही ये दोनों ही चीज़ें आती हैं। राइट टू फेयर ट्रायल मतलब जो भी कानूनी सुनवाई की जाएगी उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होगी, पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष सुनवाई की जाएगी, इसका आपको अधिकार है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप उस अधिकार के उल्लंघन का आरोप किसी पर लगा करके अपने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करवा सकते हैं। तो फेयर ट्रायल आपके साथ होगा, ये आपका अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के तहत मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत। और साथ ही साथ राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड यानी आपातकालीन स्थिति में आपको सरकार या प्रशासन द्वारा चिकित्सीय सुविधा इमरजेंसी में उपलब्ध करवाई जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपके अधिकारों का हनन होगा, ये भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 21 का ही एक हिस्सा है। दरअसल आपको मैंने लेक्चर में भी बताया था मोबाइल कोर्स में कि अनुच्छेद 21 का जो दायरा है वो बहुत व्याप्त है, उसकी जो व्याख्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 1950 में जो गोपालन केस हुआ था, 1978 में जो मेनका गांधी का जो केस हुआ था, उन दोनों ही केस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की बहुत ही वृहद व्याख्या की थी, बहुत सारे पॉइंट्स को उसके अंतर्गत रखा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी में राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर वगैरह वगैरह ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन भी बाद में जो जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार वो भी इसी वजह से जोड़ा गया क्योंकि जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत उसकी जो परिभाषाएँ हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। शायद मैंने वीडियो में इस चीज़ को बताया भी है कि एक क्वेश्चन एक बार आया था कि अगर आप विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, इफ़ यू ट्रेवल अब्रॉड, तो ये कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। तो ना सिर्फ ये दो या जो तीसरा मैंने भी बताया, इसके अलावा एक पूरी लिस्ट आपको बुक में मिलेगी जो कि अनुच्छेद 21 की व्याख्याओं के अंतर्गत आता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, इस वजह से क्वेश्चन रेज हुए हैं। पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो डाउट था स्टूडेंट को वो ये था कि मैम ये आर्टिकल 22 में आएगा कि 21, क्योंकि 22 में भी देर इज़ अ राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस समय जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि या तो ये उससे होगा या इवन आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के समय जो मिलते हैं हमको अधिकार उससे रिलेटेड भी लगता है। निष्पक्ष सुनवाई अनुच्छेद 20 में भी हो सकता है, मतलब दोष सिद्धि के समय, और अनुच्छेद 22 से भी रिलेटेड लगता है गिरफ्तारी के समय। तो याद रखिएगा ये ना तो 20 में है ना तो 22 में है, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 की एक व्याख्या है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज, कन्फ्यूजन होता है तो पूरी लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जिस तरह से अभी मैंने कहा कि विदेश जाने की, विदेश यात्रा करने की जो अधिकार है, ये लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आर्टिकल 19 में आएगा कि आर्टिकल 21 में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 में भी भारत के अंदर भ्रमण करने का अधिकार है आपको, यू हैव द राइट टू मूव इन साइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, बट डू रिमेंबर इन साइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री नॉट आउटसाइड। विदेश यात्रा जाना, भारत से बाहर जाना, ये आर्टिकल 19 के अंदर आपकी जो 6 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई उसमें नहीं आएगा, ये व्यक्तिगत फैसले के अंदर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर अनुच्छेद 21 में आएगा।
तो इसी तरह से कंफ्यूज ना हो आप, उसकी मूल भावना को समझे, उस अधिकार के तहत आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं उसकी मूल भावना को समझें और कोशिश करें कि किताबों में उनकी जितनी व्याख्याएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई हैं उन सभी को आप एक बार रीड ज़रूर कर लें। सो आई होप इट इज़ क्लियर। आर्टिकल 21 की ये दोनों हिस्से हैं। अगर आपको इसमें अभी और कोई डाउट है तो आप उस डाउट को क्रॉस क्वेश्चन के जरिए रेज कर सकते हैं हमारे पोर्टल पर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड फॉर पॉलिटी। जो लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग वीक में पूछा गया पॉलिटी पर, वो आर्टिकल 358 और 359 से रिलेटेड है, मतलब कि आपातकालीन प्रावधान का जो लेक्चर था इमरजेंसी प्रोविजन्स का उससे रिलेटेड है। राजेश राजपूत करके एक स्टूडेंट से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359, क्योंकि दोनों में ही मौलिक अधिकारों के निलंबन का यानी सस्पेंशन का प्रावधान दिया गया है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, तीन चार पॉइंट्स हैं जिसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि 358 और 359 दोनों में ही आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात कही गई है, लेकिन डिफरेंस क्या है। पहला ये कि 358 जो है वो आर्टिकल 19 को डील करता है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार है उनको डील करता है, और 359 जो है वो रेस्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब बाकी के जितने मौलिक अधिकार हैं उनके निलंबन को डील करता है। 358 और 359 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो घोषणा है वो निश्चित ही राष्ट्रपति ही करेगा, पर फ़र्क क्या होगा वो ये देखें। जैसे ही आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार हैं वो ऑटोमेटिकली निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 के जितने हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो आपातकाल की घोषणा के साथ ही निलंबित हो जाते हैं, माइंड इट। लेकिन 359 ये कहता है कि 19 और 20 और 21 को छोड़ करके, 20 और 21 तो हम जानते हैं कि निलंबित ही नहीं होते हैं, तो 19 जो निलंबित हो चुका और 20 और 21 जो निलंबित नहीं हो सकते उनको छोड़ करके बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं उनके लिए आपातकाल की घोषणा के बाद राष्ट्रपति अलग से एक ऑर्डर जारी करेगा उन्हें सस्पेंड करने का या निलंबन करने का। यानी मौलिक अधिकार जो 19, 20 और 21 के अलावा हैं उसके बारे में 359 में प्रावधान दिया गया है कि उनका भी निलंबन होगा, पर राष्ट्रपति उसके लिए एक सेपरेट ऑर्डर जारी करेगा, ये ऑटोमेटिकली कि बाद में ऑर्डर जारी करके किया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि 358 में ये कहा गया है कि आर्टिकल 19 के जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी जो बाह्य आपातकाल है उसके दौरान निलंबित होंगे। आर्टिकल 19 के जो प्रावधान हैं वो इंटरनल इमरजेंसी यानी कि सशस्त्र विद्रोह वगैरह का जो हमने रीज़न पढ़ा था उसके तहत निलंबित नहीं होंगे। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी में काम करेगा और ये इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी दोनों में, यानी ये वाला जो निलंबन है वो बाह्य और आंतरिक दोनों ही आपातकालों में होगा, पर इन अधिकारों का निलंबन केवल बाह्य आपातकाल में ही होगा, यानी वॉर यानी युद्ध के सिचुएशन में ही 358 के प्रावधान लागू होंगे। तीसरी चीज़, जो 358 के तहत ही ऑटोमेटिक सस्पेंशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, ये पूरे इमरजेंसी के दौरान होगा। ये यदि युद्ध चल रहा है और आपातकाल लगा हुआ है तो ही आर्टिकल 19 के तहत अधिकार निलंबित होंगे। जितने दौरान आपातकाल लगे रहेगा उस पूरे टाइम पीरियड में ये निलंबित ही रहेंगे। जबकि इन अधिकारों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जब एक ऑर्डर जारी करेगा कि भाई ये अधिकार को हम निलंबित करते हैं इस आपातकाल की वजह से, वो बाह्य भी हो सकते हैं वो आंतरिक भी हो सकता है, जब वो आपातकाल की वजह से इसे जारी करेगा तो बीच में ही आपातकाल की समाप्ति के पहले ही इनके निलंबन को वापस ले सकता है और आपको मौलिक अधिकार वापस मिल सकते हैं। यानी नेसेसरी नहीं है कि ये तब तक सस्पेंडेड रहेंगे जब तक आपातकाल रहेगा, आपातकाल से पहले इसे इसका निलंबन हटाया जा सकता है, जबकि ये वाले अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित रहेंगे पूरे ड्यूरेशन में, ठीक। तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति के ऑर्डर द्वारा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तीसरा, पूरे टाइम के लिए, इसमें पूरे टाइम के लिए ज़रूरी नहीं है। चौथा, ये क्योंकि एक्सटर्नल इमरजेंसी और इमरजेंसी अगर पूरे देश में लगती है तो पूरे देश में नागरिकों के आर्टिकल 19 के तहत अधिकार समाप्त हो जाएंगे, इन्हें सस्पेंड हो जाएंगे, तो ये पूरे देश में लागू होता है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अधिकारों को सीमित कर सकता है। आपातकाल भले पूरे देश में क्यों ना लगा हो, वो चाहे तो भारत के एक हिस्से में बस 359 के तहत जो अधिकारों का निलंबन होता है वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो पूरे देश में करे, लेकिन ये जो है यूनिफॉर्मली पूरे देश में होगा। आई होप आपको इसकी जो बेसिक से डिफरेंसेस हैं वो क्लियर है। ये ऑटोमेटिक होगा, मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही, वीडियो में रिपीट करके देख सकते हैं। ये चार पाँच पॉइंट जो हैं इससे आप इसकी डिफरेंस को समझ सकते हैं।
ठीक है। तो 350 359 निश्चित ही मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जो हमने विमर्श कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से प्रावधान लिया है, लेकिन जो इंडियनाइजेशन उसका किया गया है, जो बारीकी से इसमें डिफ्रेंशिएशन किया गया, इसे आप ज़रूर समझ लें कि दोनों ही अनुच्छेदों में डिफरेंस क्या है। आई होप आपका डाउट आंसर कर लिया गया। अगर अब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप इसे क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर हमारे पोर्टल पर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट, दीज फोर क्वेश्चंस, क्योंकि रिसेंटली ये फीचर ऐड किया गया था तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ये चार क्वेश्चंस ही अलग अलग स्टूडेंट्स द्वारा पूछे गए हैं। अब आप जितने लोग और जुड़े हैं मोबाइल कोर्स से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जितने डाउट्स हैं उनको क्रिएट करें हर सब्जेक्ट में, और वीकली आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक मोबाइल कोर्स से नहीं जुड़े हैं, अगर आपको क्लासरूम स्टडी से बेटर कुछ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल कोर्स से जरूर जुड़ें। सो दैट इज इट विद टुडेज वीडियो लेक्चर, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।